हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज एचएससी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, इसीलिए सबसे पहली बात तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, और मेन बात यह है कि इस बार बच्चे थोड़े से मतलब टेंशन में लग रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा मतलब अलग लेवल से आया है। ओके, मतलब सरप्राइज दिया जैसा होगा इस बार रिजल्ट का। मेन बात ऐसी हुई कि पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेपर का करेक्शन जो है वो स्टिक टू आए। महाराष्ट्र ओवरऑल में देखे तो परसेंटेज कैसा जो है, जो परसेंटेज बहुत कम है। जैसे कि मैं बताता हूं कि इस बार ऐसा हुआ है कि टोटल 14 लाख स्टूडेंट थे, उसमें से ओनली 1 लाख जो स्टूडेंट है उनको ही अबो 75% है, और बाकी जो स्टूडेंट है 13 लाख स्टूडेंट है उनको बिलो 75% मार्क्स है। मतलब आपको इस काउंटिंग जो परसेंटेज बता रहा हूं ना, मतलब जो 1 लाख स्टूडेंट को ही 75, मतलब आपको पता लग रहा हूं कि पेपर जो है इस बार करेक्शन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है। मतलब इस बार जो मार्क्स है एकदम अच्छे जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि टेंशन मत लो। आपने जो भी मार्क्स आए हैं वो आपके मेहनत के मार्क्स समझ लो, आपने जितनी मेहनत की उतने मार्क्स मिले आपको। और आप बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमने बहुत अच्छा लिखा था बट मार्क्स कम आए, आपको ऐसा लगता तो आप रिवैल्यूएशन को दे सकते हैं। आपके कुछ अगर काउंटिंग में मिस्टेक आपको लग रहा होंगे, मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा ऐसा होगा, तो आप रिवैल्यूएशन को दे सकते हैं, रिवैल्यूएशन भी करवा सकते हो पेपर को, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इस बार जो है पेपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे कि एंट्रेंस की वजह से ना बोर्ड पे ध्यान बहुत कम डाल रहे थे बच्चे, उसके लिए इस बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है कि भाई इस बार हमने पेपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि हर बच्चा खाली कॉम्पिटिटिव की तरफ ही जा रहा था, बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल। उसकी वजह से इस बार थोड़ा सा मतलब बच्चों को धक्का लग गया है और परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसलिए टेंशन मत लो। आपको जो भी परसेंट है उसमें खुश रहो और ज्यादा बर्डन लेने की गरज नहीं। आपको पता है आपका नॉलेज क्या है, और किसी को बताने की गरज नहीं कि मेरा नॉलेज क्या है, आपको खुद पता है, और कोई आके बोले कि ये करने की गरज नहीं। तो आप, मुझे ये लगता है कि आप टेंशन मत लो, आपके पास जो भी परसेंटेज है उसमें आप हैप्पी हो। और सबसे पहली बात ये है, आपको लगता होगा कि मेरे ज्यादा आने चाहिए थे, कुछ टेंशन मत लो। दूसरी बात सर, ये परसेंटेज से हमारे सीईटी में कुछ इफेक्ट होता? कुछ भी नहीं बेटा, इस बार आपको जो भी परसेंटेज है, इस बार सीईटी में आपके बोर्ड के परसेंटेज कुछ काउंट नहीं होने वाले हैं। आपके जितने भी समझो 40-40% कुछ तो है सीईटी में, उतना आए तो बस है, आप सीईटी में कोई मतलब इसमें कोई काउंटिंग नहीं आती। बोर्ड के मार्क्स से सीईटी को कोई लेन देन नहीं, बस आपको मिनिमम पास परसेंटेज चाहिए, 40-40% कुछ तो चाहिए, उससे आपको सीईटी पेपर में कोई वांदे नहीं आते। सीईटी का रिजल्ट अलग लेवल से, सीईटी के मार्क्स से ही आपको कॉलेज मिलेगा, बोर्ड के काउंटिंग नहीं होंगे वहां। ओके, टेंशन मत लो। ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे टेंशन में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ओके, थैंक यू।